हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं हूँ जोशी मठ में और कल हम आए थे हेमकुंड साहब से जोशी मठ के लिए, क्योंकि हमारी पैर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम आगे जा सके। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ के लिए, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम जा रहे हैं हाईवे की साइड, देखते हैं वहाँ से लिफ्ट मिलती है और मतलब 40 किलोमीटर कम से कम लिफ्ट सही टाइम पर मिल जाए तो 1-1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। और अभी हमारी पैरों की हालत देखिए, और हमारे साथ अभी जो 3 बंदे थे अब बचे हम 2, एक को घर जाना पड़ा और साथ में हम बचे मैं और एक को मेरा फ्रेंड। और उसकी पैर की हालत देखिए, वो कैसे उतर रहा अभी। और ये देखिए पैरों की हालत, मेरी भी ऐसी हालत हो गई है, पूरा पैर मतलब बैक साइड से अभी दर्द हो रहा है। तो अब अभी मैं स्टेट से नीचे धीरे धीरे उतर के हाईवे रोड जो देख रहे सामने रोड जा रही है वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम लिफ्ट लेंगे। अभी हम ये देखिए पकड़ पकड़ के नीचे जाना पड़ रहा है। चले गए अभी हम रोड के नीचे, रोड के पास आ गए हैं जहाँ से अभी हमें लिफ्ट मिलेगी। और सीढ़ी से उतरते उतरते हमें लग गया 1/2 आवर। यहाँ देखिए हम सामने अब ट्राई कर रहे हैं लिफ्ट के लिए कि हमें लिफ्ट मिल जाए बद्रीनाथ के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमने लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है और गाड़ी आएगी इस तरफ से, तो हम वेट कर रहे हैं गाड़ियों का कि जितनी जल्दी गाड़ी आए और हमें लिफ्ट मिले और हम निकल लें यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। चलिए वेट करते हैं अभी हम। देखिए गाड़ी आ रही है, देखते लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती है इसमें। चले गए फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ टेंपल है। ये यहाँ से लगी है लंबी लाइन, देख रहे हैं यहाँ से पीछे तक, देख रहे हैं पीछे तक यहाँ से पूरी लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ से अभी तक कम से कम में देखते कितना टाइम लगता है जाने के लिए। ये देखिए यहाँ की लाइन बद्रीनाथ टेंपल की, यहाँ से अभी कम से कम 2 किलोमीटर की लाइन है, तब जाके हम वहाँ पहुँचेंगे बद्रीनाथ टेंपल के लिए। देख रहे लोगों की भीड़ देखिए, बस आज मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम है लेकिन बस भीड़ देखिए यहाँ पर। मुझे कम से कम पहुँचने में 1-1.5 घंटे लग जाएंगे उस यहाँ तक। यहाँ पर टेंपल है और अभी हमें यहाँ पर, चलिए देखते हैं कब तक वहाँ पहुँचते हैं हम। चलिए गाइस अभी देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए सिक्के ले रखे हैं बम भैया ने यहाँ पर। और ये देखिए और भी चीज़ें हैं। ये भैया ये क्या है सामने जो आप देख रहे हैं? ये अच्छा घर में रखने के लिए होता है। और जो ये सिक्के देख रहे हैं आप, ये बद्री केदार का सिक्का है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर सभी बद्री केदार के सिक्के ले रखे हैं। और ये देखिए मूर्ति है, माला हो गई। ये देखिए सर ये लाइन देख रहे हैं पूरी यहाँ से यहाँ तक आपको सिक्के और बद्री केदार के मतलब माला वाला बेचने के लिए लोग खड़े हैं। ये देखिए इस तरफ दुकानें लगी हुई है, जैसे बद्री विशाल के जो प्रसाद होते हैं जो घर ले जाने के लिए। यहाँ देखिए पूरी देख रहे हैं पूरी सेल्फ में लगा रखी है। और भी आगे दुकानें हैं इसी प्रसाद से। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स वाले हैं और देख रहे आप नट्स वाले जो मीठे वाले प्रसाद होते हैं। ये देखिए यहाँ पूरी तरह से लगा रखे हैं। ये देखिएगा यहाँ लोगों की भीड़ देखिए, यहाँ देख रहे हैं हद से ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और सामने मंदिर परिसर जो वहाँ पर मेन गेट है जो बद्रीनाथ जी का, वो आगे की तरफ है और हम यहाँ से अभी अंदर की तरफ चलेंगे। ये देखिए लोगों की भीड़ देख रहे हैं आप, अभी तो मंदिर के बस थोड़ा पीछे हैं और थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा अभी हमें।
जैसा आपने देखा बद्री विशाल जी के जो टेंपल में इतनी सारी भीड़ थी, जिस दर्शन करने के लिए अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं कर सकते, लेकिन आप आते हैं तो थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर और भी अदर की और भी मंदिर, जैसे हनुमान जी की मंदिर और क्षेत्रपाल घाटा जी की, चलिए पहले वहाँ देखते हैं फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये देखिए यहाँ लोगों की भीड़ देखिए, यहाँ पर देखिए और भी मंदिर, जैसे हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं आप, ये देखिए ये हमारे हनुमान जी है, जो हर जगह हो, हर जगह आपको कहीं भी जाएंगे तो हनुमान जी जरूर मिलेंगे। ये देखिए और ये देखिए क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी देख रहे हैं आप, चलिए इनके भी दर्शन करते हैं अभी हम। ये देखा आपने हनुमान जी का मंदिर देखा और क्षेत्रपाल जी का, ऐसी महालक्ष्मी जी का मंदिर है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है। बद्री विशाल टेंपल के पीछे एक पुरानी कथा इस तरह है कि जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो हिमपात होने लगा था, तो माता लक्ष्मी ने जैसे कहते ना बद्री का एक पेड़ का रूप धारण किया और जिससे उनको एक छाया जैसे धूप बारिश और इससे बचा कर रखा। जब विष्णु जी की तपस्या कंप्लीट हुई तब विष्णु जी ने देखा तो माता लक्ष्मी जी पूरी बर्फ से ढक चुकी थी। तो इसके पीछे बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारी पौराणिक कथा है, जो मुझे पता है, जिस हिसाब से मुझे अपने जो मुझे पता चला है, तो मेरे हिसाब से तो ये एक पौराणिक।